सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी जम्मूवासियों को मकर संक्रांति की जम्मू पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो 8 जनवरी को कासिम नगर चौक में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में हमने आयोजित की है। आप सभी लोग जानते हैं 8 जनवरी को हमारे पास परविंदर सिंह अलियास लकी सन ऑफ हरपाल सिंह सैटेलाइट कॉलोनी भटिंडी के रहने वाले, इनकी तरफ से एक शिकायत आई थी जिसमें ये बताया गया था कि शाम के 5:15 बजे के आसपास कासिम नगर चौक में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और हमले के दौरान उनके ऊपर फायरिंग भी हुई जिसमें गाड़ी स्कॉर्पियो जिसका नंबर है JK02CD7999 ये उस गाड़ी की भी तोड़फोड़ हुई थी और साथ ही साथ हवा में 2 राउंड्स फायर होने की सूचना हमें मिली थी। जो कंप्लेन है, कंप्लेन के मुताबिक इसमें 5 लोगों के मुलावस होने की बात कही गई थी जिनका नाम रसविंदर सिंह, रविंदर पाल सिंह, सुरजीत सिंह अलियास सोनू, पवनदीप सिंह और राजू थाता, इस तरीके से बताई गई थी। इस सूचना के मिलने पर केस एफआईआर नंबर 4/2021 307, 427, 147, 147, 147 IPC और 3/25 आर्म्स एक्ट के अंदर दर्ज करके पुलिस स्टेशन बागे बहू में इन्वेस्टिगेशन इसका शुरू किया गया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन इन लोगों की उस इंसिडेंट में पाए जाने की वजह से 9 तारीख को मतलब दूसरे दिन इसमें से पहला जो अक्यूज्ड है रविंदर पाल सिंह उसको, उसके बाद अमरजीत सिंह अलियास राजू थाता सन ऑफ स्वरण सिंह जो चट्ठा का रहने वाला है उसको 11 तारीख को, और जो बाकी इसमें अक्यूज थे जिसमें सुरजीत सिंह अलियास सोनू, रसविंदर सिंह और पवनदीप, इन 3 लोगों को ठंडी खुई से 13 तारीख को हमने गिरफ्तार किया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि उस टाइम मीडिया में इस तरीके से एक बात चली थी, एक स्टोरी चली थी कि बीजेपी के लीडर के ऊपर हमला हुआ है और उसमें ऊपर फायरिंग हुई है। बहुत सारे लोगों ने उसको टेरर एंगल के साथ भी जोड़ने की कोशिश की थी। तो आज की प्रेस वार्ता आयोजित करने का यही उद्देश्य है कि इस केस की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें जैसा आप जानते हैं कि हम आज तकरीबन 6-7 दिन के बाद आपके सामने इसीलिए पेश हो रहे हैं कि इस केस की तह तक हम जाना चाहते थे, इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे बिफोर हम कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी करें। और आज 6-7 दिन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो केस है, ये केस परविंदर सिंह अलियास लकी और इसके जो अपोजिट रादर अक्यूज पार्टी हम कह सकते हैं जिसमें रसविंदर सिंह, सुरजीत सिंह अलियास सोनू वगैरह जो उसके साथी हैं, उनके बीच फ्लेक्स बैनर्स को प्रिंट करके उसके पैसे देने के मामले में पहले से काफ़ी दिन से तू-तू मैं-मैं चल रही थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन इन 2 पार्टीज़ के बीच में कासिम नगर चौक में पहले स्कफल हुआ है और जो स्कफल है वो धीरे धीरे इंटेंसीफाई होते हुए लास्टली इसमें हवा में 2 राउंड फायर हुए। जिस वेपन से फायरिंग हुई है हमने वो वेपन जब्त कर लिया है, उसके साथ साथ जो खाली कारतूस है वो भी वहाँ से मौके से हमने बरामद किए हैं और इस केस का किसी भी तरीके से हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई टेरर वाला एंगल सामने नहीं आया है। जहाँ तक परविंदर सिंह अलियास लकी और उसके साथ होने वाले लोगों का ताल्लुक है, उनके साथ वहाँ पे उस टाइम कौन कौन था इसको हम इसी केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे देख रहे हैं। जो जो ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसे के लेन देन को लेके हुआ हुआ स्कफल है और इसके दूसरे कोई भी पहलू के साथ इसका कोई जोड़ जुड़ाव अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है पूछ सकते हैं। सर, एक आदमी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमने बाकी डिस्ट्रिक्टों से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन लोगों के मंगवाए हैं। अगर किसी के भी खिलाफ पुराना और ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा
तो हम उसको उसी तरीके से सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे। किसी और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मार कुटाई या इसके अलावा भी कोई हो, जैसे मैंने कहा कि इसमें से एक आदमी के खिलाफ हमारे पास पहले से कुछ केसेस रजिस्टर्ड हैं, वो इसी तरीके के केसेस हैं जिसमें 341 मारपीट या 341 के साथ साथ 323 इस तरीके के मामले दर्ज हैं।